लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कितने गांव को कवर सारे भाई वो 85-90% गाँव को मैं पूरा कर चुका हूँ और हर जगह रोजाना 22-25-20 इस तरह से गांव कवर करके हर जगह लोगों से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या समर्थन गांव में मिल रहा है लोगों का? क्योंकि गांव में किसान और कमेरे की बात करने वाले केवल एक ही पार्टी है, वो है इंडियन नेशनल लोकदल, और जिसमें केवल और केवल चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा है उससे सभी जुड़े हुए हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार का हर जगह जितना भी एक जन सैलाब आप देख सकते हैं, कई मोटरसाइकिलों का काफिला है, कई ढोल नगाड़ों के साथ और हर जगह से पगड़ी बांध कर इस अपने बेटे भतीजे को बहुत बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। पर निश्चित रूप से ये सब वोटों में तब्दील होगा और हम जीत निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। अच्छा, जिस तरह से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जैसे गाँव जाकर सब प्रत्याशी मतदान की अपील कर रहे हैं, इस तरह से वो तो करने के लिए नहीं आ रहा गांव में। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको पता है कि 10 वर्षों का जो शासन रहा उसमें इस सोनीपत जिले की जो अनदेखी उसने की, चाहे विकास कार्यों में रहा हो, चाहे नौकरियों में भेदभाव रहा हो, अपनों को अपने चहेतों को जिस हिसाब से नौकरी बांटी, और चाहे विकास कार्य देख लो, आप मेट्रो प्रोजेक्ट देख लो, हर जगह से उसको ये पता है कि जनता के बीच में अगर गया तो निश्चित रूप से जनता इस बात का सवाल जवाब करेगी और जनता इस बात का भी सवाल जवाब करेगी कि आरक्षण के समय इस हरियाणा को जिस प्रकार से उसने चलवाया, जिस प्रकार से 32 लड़के यहाँ शहीद हुए, इसका सारा का सारा सिस्टम केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है। तो निश्चित रूप से लोगों की समझ में ये आ रहा है और वो कोई सवाल जवाब ना कर लें, इसलिए दूर से ही बस में से वो टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि जैसे वो टाटा बाय बाय करके निकल रहे हैं, ये लोकसभा की जनता, लोकसभा के मतदाता उसको भी टाटा बाय बाय करके और वापस रोहतक भेजने का काम करेंगे। सोनीपत का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और सोनीपत का इतिहास रहा है, जैसे बाहर से कोई भी यहाँ प्रत्याशी आया है उसको बाहर का रास्ता दिखाकर उसको धूल चटाने का काम। छिकारा साहब, ये एक बात आ रही है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा भाजपा उठा रही है, तो केजरीवाल ने इसके ऊपर ये कमेंट्स किया है कि ये भारत पाकिस्तान की जो एक मिलीजुली जो साजिश का एक हिस्सा है कि यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? ये तो कई इन्हीं के, आप देखना इन्हीं के जो नेताओं के हैं उस समय बयान भी वायरल हुए थे कि उधर से इमरान खान जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं कि उनसे किस तरह की बातचीत, किस तरह की भाषा और किस तरह का एक सामंजस्य जो बैठा रखा था आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ही कि चुनाव से ठीक पहले पुलवामा का अटैक करके, तो कहीं ना कहीं इतनी जो आपकी आई भी है, CBI है, रो है, कितनी जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि सरकार की तरफ से कोई ढील, कोई इस तरह का व्यवस्था रही है कि जिससे इस मुद्दे को एक कैश करवाने का चुनावी मुद्दा बनाकर, और आप देख सकते हैं 2014 के जो चुनावी मुद्दे हैं, जो विकास की बात करें, लोग बेरोजगार को रोजगार देने की बात करें, बिजली सस्ती की बात थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी आपके सामने है कि आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डॉलर 40 रुपये हो जाएगा, वो एक भी मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी मंच से हमने तो बोलते हुए सुने नहीं। तो राष्ट्रवाद की एक ही भाषा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो पुलवामा अटैक के बाद उसको कैश करवाने का काम कहीं ना कहीं इस मिलीभगत को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।